बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आसमा, क्लास 3 ऑनलाइन विद कंप्यूटर। क्लास 3 के हमारे चैप्टर 1 के ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मैंने इनको राइट कर दिया है, तो आपने इनको याद भी करना है और अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी है। चैप्टर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरीज की दो टाइप्स हमने यहाँ पे बताने की, कौन सी कंप्यूटर मेमोरीज की टाइप्स हैं। ए है रैम, बी रोम। ये इसका आंसर है रैम एंड रोम, कि ये दो हमारे पास कंप्यूटर मेमोरीज की टाइप्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को हमें डिफाइन करना है कि माइक्रोफोन क्या होता है। आंसर है इसका, माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूजिक इनटू द कंप्यूटर। पहले मैंने रीडिंग में भी आप लोगों को बताया है माइक्रोफोन के बारे में, तो यहाँ पे इसका आंसर में भी सिंपल सही है इसका आंसर, कि माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूजिक इनटू द कंप्यूटर। के माइक्रोफोन जो है उसका काम क्या होता है कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए और म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर आवाज़ को और म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है माइक्रोफोन, डिफाइन माइक्रोफोन का आंसर, कि माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड द वॉइस एंड म्यूजिक इनटू द कंप्यूटर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, हमने कंप्यूटर को डिफाइन करना है कि कंप्यूटर होता क्या है। आंसर है इसका, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आपको मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन एक्सेप्ट स्टोर एंड देन प्रोसेस डेटा टू जनरेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट स्टोर एंड देन प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, उसको स्टोर करता है और एंड देन प्रोसेस और फिर उस पर काम करता है एंड देन प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन। फिर उस डेटा पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, काम करता है इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, मालूम हासिल करने के लिए, पैदा करने के लिए। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट स्टोर एंड देन प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। यहाँ पे हमने कोई से भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नेम बता सकते हैं, कोई भी आप 3 बताना चाहें, 4, 5 जितने भी आप बताना चाहें। तो यहाँ पे मैंने 4 सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नेम लिखे हैं, तो हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के नेम बताने हैं। तो आंसर इसका है कि फर्स्ट है MS Paint, सेकेंड लोगो, थर्ड MS Word, फोर Notepad। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, MS Paint, लोगो, MS Word, Notepad। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU। ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो हमने ALU का फंक्शन बताना है कि ALU का काम क्या होता है। आंसर है इसका, ALU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी कि जितनी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होती हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करना ALU का काम होता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन में हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह शामिल होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास हमने इसमें कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों का, लेस देन के कौन सी चीज़ एक दूसरे से छोटी है या बड़ी है, इसके अलावा इक्वल का, इस तरह का हमने कंपैरिजन करना होता है लॉजिकल ऑपरेशंस में। तो ALU का काम क्या होता है, ALU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इट डज द टास्क ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड कंपेरिजन ऑपरेशन सच एज लेस दैन, ग्रेटर दैन। तो ALU क्या करता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन वाला काम सारा इसका इसने परफॉर्म करना होता है। इसके अलावा कंपेरिजन ऑपरेशन जो होती हैं इसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन आ जाता है, वो भी इसी का काम होता है कि ALU ने ये सारा काम परफॉर्म करना होता है। यानी कि प्लस करना, चीज़ों को माइनस करना, डिफरेंट उनको तकसीम करना, ज़रब देना, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना, तो ये सारा काम जो है ALU का होता है। तो ALU का फंक्शन है कि ALU परफॉर्म्स ऑल दी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इट डज द टास्क ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेशंस सच एज लेस देन, ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के, जो कि आज कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद भी करना है और अपनी कॉपीज पे इनको राइट भी करना है। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आगे काम स्टार्ट करेंगे।